Hello everyone. Today we are going to see the next video on website designing. We are going to see HTML style. बहुत ही सिंपल है ये. मुझे एक लाइन लिखनी है और उसको बैकग्राउंड कलर देने का है. तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ के अंदर एक पैराग्राफ के अंदर मैं स्टाइल लिख के बीएससी के बैकग्राउंड कलर ये है, इसको मैं देके FF00 इसको मैंने इस पे से लिखा एंड इसको क्लोज किया मैंने. बाद में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा myself tech UNIX पी को क्लोज किया. हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है. तो इसका आउटपुट में हम लोग चेक करेंगे. सो माइसेल्फ टेक फिनिक्स, उसका कलर जो है वो येलो हो गया है. सो अभी इसका आउटपुट जो था वो है माइसेल्फ टेक फिनिक्स. अभी क्या करना है, अभी इसका बैकग्राउंड कलर येलो आ गया है. अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर दूसरा कुछ रखना है, येलो क्यों आ रहा है उसका रीजन बताता हूँ मैं. पहले मैं इसको 00 कर लेता हूँ. अभी 00 करने के बाद इसको सेव किया. अभी मैं इसको रन करता हूँ. तो रन करने पे मुझे जो आउटपुट आएगा वो रेड आएगा. तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड है. अभी ये क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये रेड है. ये जो कलर कोड होता है इसमें ये आर इंडिकेट करता है रेड, ये ग्रीन इंडिकेट करता है और ये ब्लू इंडिकेट करता है. अभी हम लोगों ने ग्रीन जो है वो 00 किया हुआ है और ब्लू जो है उसको भी हम लोगों ने 00 किया हुआ है. तो खाली क्या बचा, क्या है आर 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 बचा है, इसलिए हमें बैकग्राउंड पे रेड दिखता है. यहाँ पे रेड दिख रहा है. अगर मैंने वही इसको 00 कर दिया और बीच में मैंने FF डाल दिया तब क्या आएगा, तो यहाँ पे ग्रीन आ गया. इसी वजह से यहाँ पे FF किया तो यहाँ पे ब्लू आ गया. दूसरा वे क्या है इसका, कोडिंग का सेम है. कलर कोड को मैंने बताया हुआ है आपको, बस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फिर से कि अगर मुझे बैकग्राउंड कलर ऐसा नहीं चाहिए, मुझे RGB के फॉर्म में चाहिए, तो हम लोग वैसा भी कर सकते हैं. सो उस केस में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, RGB देन यहाँ पे 255 00 0, क्योंकि मैक्सिमम ब्राइटनेस जो होती है कलर की वो 255 होती है और मिनिमम जो होता है वो 0. तो मैंने क्या किया हुआ है, ये रेड इंडिकेट कर रहा है आर, ये जी जो है ग्रीन इंडिकेट कर रहा है दैट इज 0 एंड ब्लू जो है वो भी हम लोगों ने 0 रखा हुआ है. तो इस केस में अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट लाइन में क्या मिलेगा देखते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट लाइन में हमें सेम एक लाइन मिलेगी विद ब्लू, सॉरी रेड कलर. क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे 255 किया, मतलब रेड को ब्राइट किया हुआ है मैंने, ठीक है. एंड इसी वजह से मैं अगर इसका तीसरा वे भी है इसको रिप्रेजेंट करने का, तीसरा वे इस वजह से है कि मैंने अगर इसको ये किया एंड यहाँ पे डायरेक्टली मैंने रेड लिख दिया से, या मैंने पिछले वाले में यहाँ पे फर्स्ट वाले में ब्लू किया था, यहाँ पे मैंने रेड किया है तो यहाँ पे मैं ग्रीन करता हूँ. अगर मैं डायरेक्टली ग्रीन कलर लिखा यहाँ पे तो यहाँ पे ये तीसरी लाइन आएगी जिसको ग्रीन होगा. यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं बट वो कलर के वैसे दिख नहीं रहे. अभी मैं कलर, मेरे को वो जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं माइसर टेक फिनिक्स वो दिखना चाहिए. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सो यहाँ पे बैकग्राउंड जो है अगर मुझे वाइट चाहिए, बैकग्राउंड नहीं सॉरी जो अल्फ़ाबेट्स लिखे वो मुझे वाइट चाहिए, तो कैसे कर सकता हूँ मैं. तो उसके लिए यहाँ पे हमें ये जो कोड लिखा है यहाँ पे ग्रीन, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, CUL और कलर वाइट, सेमी कॉलन दिया. इसको रन करेंगे हम लोग, तो रन करते जैसे तो क्या आएगा, तो इसका कलर वाइट हो गया. अभी मुझे ये बैकग्राउंड पे रेड भी डाला है तो भी दिख रहा है. इस वजह से आप बैकग्राउंड का कलर कैसे भी चेंज कर सकते हैं और जो उसमें फॉन्ट लिखा हुआ है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं. तो ये उसका कोड है. तो इसको हम लोग HTML स्टाइल बोलते हैं, जिसमें कि आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो और उसमें लिखा हुआ फॉन्ट जो है वो भी चेंज कर सकते हो. ये कलर किसी का भी, कोई भी कलर हो सकता है और
बैकग्राउंड कलर भी कोई हो सकता है। और बताता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे RGB है, तो मैंने अगर यहाँ पे रेड रखा हुआ है खाली, GB मैंने किया तो क्या होगा, जी अगर किया मैंने तो सेकंड वाला जो देखते हैं अभी हम लोग, सेकंड वाला येलो हो गया, मतलब रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग करते हैं तो येलो बन जाता है। इस वजह से अगर मैंने ब्लू को भी चेंज किया तो वो दूसरे वे से वो चेंज होगा, दूसरा कोई तीसरा ही कलर आएगा उसमें। सिमिलरली रेड और इसकी ये अभी जो येलो कलर आ रहा है इस कोड से, उसकी अगर ब्राइटनेस चेंज करनी है हमें, तो हम लोग इसको 255 को और कम कर सकते हैं वैल्यू, तो ब्राइटनेस जो होगा वो कम हो जाएगा उसका। तो दिस इज HTML स्टाइल। होप यू लाइक दिस। थैंक यू।